दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा में सुंदरलाल बहुगुणा के चित्र का एक शिलापट्ट भी लगाया गया। इस कार्यक्रम में आप उत्तराखंड के नेताओं की मौजूदगी चुनावी संकेत भी देते हुए नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के सेंट्रल पार्क में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के शिल्पपट्ट का अनावरण किया। उनके नाम पर पेड़ लगाए और फिर विधानसभा के भीतर परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया। केजरीवाल ने सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत बताई और केंद्र सरकार से बहुगुणा को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की। सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे देश की एक बहुत बड़ी विभूति थे, बहुत महान आत्मा थे, महान इंसान थे, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। उससे केवल हमारे देश को नहीं पूरी दुनिया को उनके ऊपर गर्व है। तो आज इस अवसर पे सबका ये मानना था, हम मांग करते हैं और केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से कि मरणोपरांत सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न दिया जाए। इससे पूरे देश को खुशी होगी, पूरा देश चाहता है, पूरे देश को सुंदरलाल बहुगुणा जी पे गर्व है और उनका संदेश और उनका जीवन घर घर तक पहुंचेगा। सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे राजीव नयन बहुगुणा ने अरविंद केजरीवाल के कामकाज की तारीफ की। राजीव नयन बहुगुणा ने कहा, उनके पिता भी आंदोलनकारी थे और अरविंद केजरीवाल भी उसी कैडर से हैं। उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार को साफ करने के बाद केजरीवाल से दोबारा आंदोलन कैडर में ही लौटने की अपील की। और नेहरू पटेल गुरु वल्लभ पंत वगैरह उन्हीं को पहचान लेता था, उन्हीं के बाद बड़े नेताओं की होती थी। लेकिन कुछ समवाद जब उन्हें महसूस हुआ कि मेरा काम गांधी की लौ को आगे बढ़ाना है, तो सत्ता के राज्य में छोटे गाँव, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जब आपने जो टीका इजाद किया भ्रष्टाचार के उन्मूलन में, राजनीति से दिखावा और आडंबर के उन्मूलन का, जब आपके टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने मूल कैडर में लौट आएंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड से बहुगुणा के परिवार के सदस्यों के अलावा आम आदमी पार्टी के भी कई नेता शामिल हुए, जिसमें संगम विहार से विधायक और उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेता विजय कोठियाल और कई अन्य नेता शामिल थे। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।